आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे विशेष संबोधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्टेट ऑफ द वर्ल्ड का करेंगे संबोधन। सीएम योगी का गाजियाबाद दौरा, आज संतोष हॉस्पिटल में कोविड प्रबंधन को लेकर करेंगे निरीक्षण। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज, तीसरे चौथे और पांचवें चरण को लेकर टिकटॉक पर होगा मंथन। कथक सम्राट बिरजू महाराज का निधन, 83 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। देश भर में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2,58,089 नए मामले आए सामने। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर पूर्व छर्रा विधायक राकेश सिंह को टिकट न मिलने पर सपा कार्यकर्ता फूट फूट कर रोए, जिसके बाद सपा विधायक प्रत्याशी लक्ष्मी धनकर का राकेश सिंह समर्थकों ने पुतला फूका और साथ ही पार्टी हाईकमान से राकेश सिंह को टिकट देने की भी मांग की गई। चहेते विधायक और सबके दिलों पर राज करते माननीय ठाकुर राकेश सिंह जी को अगर टिकट मिलता है तभी धनी प्रवासी, समस्त धनी प्रवासी वोट देंगे, अन्यथा किसी को वोट नहीं दिया जाएगा, चाहे वो लक्ष्मी धनकर से ही या बीजेपी के अन्य प्रत्याशी से ही या किसी भी पार्टी का कोई नेता से, जहाँ पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। सिर्फ यहाँ प्रवेश कर सकते हैं तो माननीय ठाकुर राकेश सिंह ही करेंगे और उन्हीं को ही वोट मिलेगा। ऐसा राकेश ठाकुर सिंह हमारे जो विधायक हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, उनको सीट ना मिलने के कारण धनकर का जो प्रदर्शन हो रहा है वो आप सामने देख रहे हैं आप उसके लिए। और हमारी एक जेईस वो है, जाट समाज के लोग हैं हमारे समुदाय के अंदर, पूरा धनीपुर हमारा जाट समुदाय का लोग है, अगर हमारे राकेश सिंह को टिकट नहीं मिलता है तो उसका हम। खबर संभल से है, जहां बीजेपी के टिकट परिवर्तन को लेकर बीजेपी पार्टी के पदाधिकारियों सहित 500 कार्यकर्ता ने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी से 8वीं बार चंदौसी विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी के पद अधिकारियों और कार्यकर्ताओं में काफी रोष रहा। विधानसभा के 5 मंडल अध्यक्षों में से 4 मंडल अध्यक्ष और 17 बूथ अध्यक्षों सहित 500 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी से 4 बार विधायक और 2 बार मंत्री रह चुकी गुलाबो देवी के खिलाफ पार्टी पदाधिकारियों ने जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि बीजेपी से चंदौसी विधानसभा में अगर टिकट परिवर्तन नहीं हुआ तो सभी बीजेपी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बीजेपी पार्टी का चुनाव नहीं लड़ेंगे। लोगों में रोष की भावना इसलिए है क्योंकि यहाँ टिकट जो ऐसे व्यक्ति का हुआ है जिनके पति माफिया गर्दी करती हैं, भ्रष्टाचार करती हैं, लोगों में खौफ है, डर है और जबरन जमीनों पर कब्जा करते हैं, अपनी आस्था जताती हैं कि मैं एक बहुत ईमानदार हूं। किसके खिलाफ कर रहे हैं माननीय मंत्री गुलाब देव जी, जिनका पुनः भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बना गया है, उनका हम विरोध कर रहे हैं। रोष जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी ने जो प्रत्याशी यहाँ पे बनाई है उन्हीं को लेकर हमारा रोष है, क्योंकि वो लगातार कई बार से प्रत्याशी चुनी जा रही हैं, ना तो कार्यकर्ताओं की सुनवाई होती है, ना किसी पार्टी पदाधिकारी की सुनवाई होती है, ना गरीब की सुनवाई होती है, उनके यहाँ सुनवाई होती है दलालों की, उनके यहाँ सुनवाई होती है भ्रष्टाचारियों की, उनके यहाँ सुनवाई होती है खनन माफियाओं की, उनके यहाँ सुनवाई होती है राशन कोटा डीलरों की, उनके यहाँ किसी कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं होती, उन्हें अपने परिवार और अपने के लिए करना। खबर बलिया से है, जहां घने कोहरे से आवागमन प्रभावित हो गया, सड़कों पर घने कोहरे से गाड़ियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि घना कोहरा है और लोग दिन के समय भी रोशनी में भी लाइट जलाकर चलने को मजबूर है। तो घने कोहरे की वजह से आवागमन बाधित हो रहा है, आम जनजीवन ठंड की वजह से अस्त व्यस्त हो रहा है। बलिया में कोहरा,
पूरी तरह से ढक लिया है, जिससे आवागमन भी बाधित हो रही है, यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, गाड़ियाँ लाइट जलाने पे मजबूर है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो किसानों की, तो किसानों के चेहरे खिले नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कोहरा फसलों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। अखिलेश कुमार, खबर प्रतापगढ़ से है, जहां कोतवाली के जलेशरगंज बाजार से स्थित एक प्राचीन मंदिर में स्थापित अष्ट धातु की चार मूर्तियां ज्ञात चोरों ने चुरा ली। सुबह मंदिर से करोड़ों की मूर्तियां चोरी होने की जानकारी पर लोग आक्रोशित हो गए, जिसके बाद आक्रोशित बाजार वासियों ने दुकानें बंद कर जाम लगा दिया। वहीं मामले में अज्ञात के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मौके पर पहुंचकर लोगों से संयम बरतने की अपील करते हुए नई मूर्ति की स्थापना में विधायक मोना की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। खबर अमेठी से है, जहां अवैध खड़ंजा निर्माण का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया। प्रधान पति ने दबंगों के साथ मिलकर पूरे परिवार की जमकर लाठी डंडों से पिटाई कर दी, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बिछा रहे थे उस लोग, तो फिर हम रोकने के प्रयास कर रहे थे, हम सब लोग हाथ पकड़ के खड़े थे, इसीलिए हम सब लोगों को पटक पटक के ईटा गए, सबको मारा, लोहे के पाइप लाए थे और सब डंडा, उनके परिवार वालों सब, ठाकुर का कोई मतलब नहीं था, फिर भी ठाकुर लोग आए, वो भी मारे, प्रधान भी मारे और पूरे ठाकुर भी मारे, उनके पांच छह बेटे थे, भाई थे, सब लोग मिलकर मारे, इतना मारे, मेरी मम्मी को भी बहुत मारा, बहुत गिरा गिरा। खबर अमेठी से है, जहां अचानक पुराना पक्का मकान भर भरा कर गिर गया, जिसमें मकान के अंदर सो रहे पति पत्नी और 10 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं ग्रामीणों ने एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल सभी को रेफर कर दिया। हमारी एक बेटा है, एक बहुरिया है, एक उनकी बेटी है। ये मकान तो पक्का था, ये कितना पुराना था? 74-75 में बना है। पुराना था तो क्या इसके लिए ये बेटे क्या करते थे आपके? ये ईटा गारा मजदूरी करा थी, अपन देहात में देख मिल जाता है, जो उन बुला लिए काम कर दिया रहे अपन। ये आश्वासन है कि पहले भगवान जिनके साथ ये घटना घटी है, सब रेफरल हुए हैं लखनऊ में, तो सब स्वस्थ होकर वापस आ जाए, यही कामना है। और जो भी नियमानुसार सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जा सकती है, वो सब हम। खबर अमेठी से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत बेहटा मुतुर्जा के एक बुजुर्ग दंपत्ति ने जायस पालिका अध्यक्ष पर अपने गुर्गों के साथ मिलकर बेटे का जबरन अपहरण कर असलहे के दम पर बुजुर्ग से हाईवे किनारे बेशकीमती जमीन का बेनामा करा लिया है। वहीं कोतवाली उमेश मिश्र ने बताया कि बुजुर्ग राम लखन ने नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ जबरन जमीन लिखवाने की तहरीर मिली है। सीओ ने मामला संज्ञान में लेते हुए कहा कि जांच कर कार्रवाई की जा रही है और दोषियों के विरुद्ध जल्द कार्रवाई होगी। अरे सर, जो है मुझे जो है जबरन थाने बंद करवा दिए थे, बंद करवा दिया चेयरमैन, ठीक जो है, मैं वहाँ पे सुलनामा हुआ है, जो है मैं आ रहा था तो चेयरमैन कहे चलो तुमको घर छोड़ देते हैं, नहीं जो है जा रहा था तो जबरन जो है गाड़ी में स्कॉर्पियो में हमको जो है जबरदस्ती भरा था, ठीक, उसके अंदर करके फिर ले गए थे तिलुए। स्कॉर्पियो में कितने लोग थे? उसमें 4 जने थे सर। फिर क्या हुआ? फिर उसने जो है ले जाके जबरदस्ती हमको वहाँ कहीं खेत में घुमा रहे थे, कहाँ वहाँ घुमा रहे थे, कहीं बैठे रहो नहीं तो जो है तुमको साले गोली मार दूंगा। कल हमको जो ना थोड़ा मैन जो ना चपा जो ना मार पीट के और जो ना के ले गए हैं जबरदस्ती भर के, वहाँ जाके घर की दे के और नाम लिखवा दें, बयान झूठ बोल के नाम लिखवाए। क्या लिखवा दिए? नाम लिखवाए।
खबर चंदौली से है, जहां बबुरी क्षेत्र के गौरी गांव में नाली सफाई ना होने से ग्रामीण परेशान है। नाले का गंदा पानी लगातार सड़क पर बह रहा है, जिसका ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि शिकायत के बावजूद अभी तक समस्याओं से निजात नहीं मिल पाया है। पिछले 5 सालों से गांवों के नालों के निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण जल जमाव से ग्रामीण परेशान है। दशा यह है कि बरसात के दिनों में ये घुटनों तक पानी भर जाता है, जिससे होकर लोगों को निकलना पड़ता है। खबर बुलंदशहर से है, जहां पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 17 तमंचे और 6 अदबने तमंचे बरामद कर लिए हैं, जिसमें पुलिस ने अवैध तमंचे का सौदागर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि जंगल में ट्यूबवेल के खंडहर कमरे में अवैध शस्त्र बनाने का गोरख धंधा चल रहा है। रात्रि में छतारी पुलिस को मुखबिर द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना दी गई, जिस सूचना पर स्वाट टीम के भी 2 कर्मचारी मौके पर आ गए। ग्राम सालाबाद की ओर से जाने वाले बंबा पटरी पर एक बंद पड़ा हुआ ट्यूबवेल है, जिसकी कोठरी में कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध शस्त्र बनाने का कार्य किया जा रहा था। पुलिस की आहट से 2 अभियुक्त मोटरसाइकिल पर फरार हो गए, परंतु घेराबंदी कर एक मुख्य आरोपी, जिसका नाम समून अली है, उसको गिरफ्तार किया गया। वह मूलतः जनपद मेरठ का निवासी है। पूछताछ के दौरान इसके द्वारा बताया गया कि जिस क्षेत्र में ज़्यादा डिमांड होती है, ये लोग उस क्षेत्र में जंगल में किसी सुनसान स्थान पर अवैध शस्त्र तैयार करने का कार्य करते हैं। अभियुक्त समून अली शारीरिक रूप से विकलांग है, जिससे उस पर किसी भी अवैध कार्य में लिप्त होने का कोई शक नहीं होता। इस सफल अभियान में छतारी पुलिस को मौके से भारी मात्रा में बने एवं अधबने तमंचे एवं अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण भारी मात्रा में बरामद हुए हैं, जिसमें 14 तमंचे, 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 3 तमंचे, 12 बोर, 1 जिंदा कारतूस, 12 बोर, 5 अधबने तमंचे, 315 बोर, 1 अधबना तमंचा, 12 बोर, 1 स्पेंडर प्लस। खबर बलरामपुर से है, जहां लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिए गए। आपको बता दें कि बलरामपुर के जुआथान बाजार में बदमाशों ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके उनके पास से सोने की चेन, नकदी लूट ली। साथ ही व्यापारी अर्जुन गुप्ता को लोहे की रॉड से मारकर घायल भी कर दिया। वहीं चालक ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई और पुलिस को सूचना दी, जिसके आधार पर थाना कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज करके पुलिस छानबीन में जुट गई है, जिसके बाद 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 1 कार, नकदी और अन्य लूट के सामान बरामद किए गए हैं। अभियुक्त गण के कब्जे से उनकी कार में हमें अवैध असलहे भी बरामद हुए, जिसमें 3 तमंचा बरामद हुआ है, और पूछताछ में उन्होंने घटना कबूल की है, और अब इसके अलावा हम लोग न्यायिक कार्रवाई कर रहे हैं। बलरामपुर पुलिस को बहुत सहयोगी है, हमने सूचना जो दी हमारा काम इतना फास्ट किया है कि इतना फास्ट नहीं हो पाता। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।